लगभग दो साल पहले से जो साहब काशीराम जी के साथ के लगभग 250-300 जो बुजुर्ग लोग और साथी कार्यकर्ता हैं, वो काफी परेशानी में अपने आप को महसूस कर रहे थे और उनको रात को नींद भी नहीं आ रही थी, क्योंकि जो पेड़ उन्होंने लगाया वो पेड़ फल देने की बजाय अब पूरी तरह से बांझ हो गया। ये चिंता को देखते हुए वो आपस में पूरे देश में विचार मंथन करते रहे और करते रहे कि क्या किया जाए, जिसके एक हिस्से में ये आरवी सिंह जी हैं। और ये बात तय हुई कि भाई हम लोग जितने भी हमारी एनर्जी या जितनी ताकत या जितने हमारे नेतागण या जितने गणमान्य नेता हैं, उनसे ये कहें कि आप जो कर रहे हैं उसका परिणाम हमें देखें और बताएं, क्योंकि आप जो हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, जो हमारे उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं, जो हमें आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जबकि जब भी आप ये कहते हो कि हमें इतना पैसा देना है, या आपको वहां खड़े होना है, या मीटिंग में आना है, या सभा में आना है, या नारा लगाना है, या बात को आगे बढ़ाना है, हम बात को भी करते हैं। बावजूद इसके भी लगातार साल दर साल बहुत ज्यादा संगठन बनने के बाद भी हमारे रिजल्ट जीरो आ रहे हैं। और ये तय हुआ कि 7643 जातियों को 6743 जातियों को जोड़ते जोड़ते जो 10,000 से ज्यादा संगठन बने हैं, वो संगठन भी जातियों में कैद हो गए और वो भी जातियों में बदल गए। अब नुकसान और ज्यादा होने लगा। इसी को देखते हुए पूरे देश में संपर्क किया गया और लगभग 30 से ज्यादा संगठन आंध्र भवन तेलंगाना भवन में 8 नवंबर को आए, जिसमें करीब 20-25 जो हमारे जैसे साधारण लोग थे, समण समाज के लोग, जो आम लोग हैं, जिनका कोई संगठन से लेना देना नहीं है, जिनकी चिंता थी और जो साहब काशीराम जी के साथ में लगातार जुड़े रहे और अपनी एनर्जी और अपनी ऊर्जा देते रहे, उन लोगों ने उनसे कहा कि आप सब एक हमें सेंट्रलाइज यानी केंद्रीयकृत कार्य प्रणाली दीजिए, हम एक जगह पैसा देना चाहते हैं और एक ही कॉल पे आना चाहते हैं, हम हजारों जगह पैसा नहीं देना चाहते, हजारों कॉल पे नहीं आना चाहते, हजारों संगठनों में नहीं आना चाहते, आप हमारे नेता हैं, आप ही रहेंगे, आप कृपया करके 14 अप्रैल 2020 तक आ जाइए, ये समण समाज का, ये समाज का जिसके लिए आप काम करते हैं उसका आदेश है, उसका निर्देश है। उसमें बहुत सारे जो संगठन थे वो इस बात को मान के गए और उन्होंने इस परिपत्र पे, सर्कुलर पे, इस आदेश पर साइन भी किया। लगभग इसमें 27 साइन है, वो साइन हम आपको बीच में बता देंगे बार बार किसके साइन है, कौन कौन संगठन आए थे उसमें। 3-4 बामसेफ हैं, धार्मिक संगठन भी हैं और भी तरह के इसमें संगठन हैं जो सरकारी कर्मचारी को संगठन है। उस बात को लगभग आज 22 दिन हो गए और 22 दिन के दौरान में ये देखा गया कि पूरे देश से जो वीडियोज आपने बनाई और भेजी, उन वीडियोज के रेस्पेक्ट में हमारे पास में फोन आए और ये बात आई कि आप जो काम कर रहे हैं ऐसा ही हमारे मन में है, हम भी वो काम करना चाहते हैं, आप हमें बताएं कि कैसे काम करें, क्योंकि सभी लोग अलग अलग बिखरे हुए हैं और सभी चाहते हैं कि सब इकट्ठे हो जाएं। तो उसके लिए ये तय हुआ कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों के साथ में और टेलीफोन नंबर दिए जाएं, आगे की रणनीति जो लोगों ने चाहिए वो बताई जाए। और यहाँ एक बात खास है कि जो लोगों से आप बात करेंगे ये कोई संगठन नहीं है, ये आम व्यक्ति हैं, यहाँ हर एक व्यक्ति बराबर है, हर एक अपना अपना काम बाखूबी कर रहा है और आप किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न इनसे पूछ सकते हैं, इनसे जान सकते हैं, क्योंकि ये समण समाज के लिए, जो समाज के लिए आप काम कर रहे हैं और हम काम कर रहे हैं, उसके लिए जरूरी है कि कार्य प्रणाली कैसी है और कैसी नहीं है, उसी के विषय में आज है और इसको हम विधिवत प्रचार को आरंभ कर रहे हैं आपके। सुधीर जी, आप जन जन तक ये समण समाज जो आपने लिखा है इसमें अपने प्रेस रिलीज में, कैसे समझाएंगे कि समण समाज कौन सा समाज है? बिल्कुल नया शब्द है समाज के लिए। समण समाज बहुत पुराना शब्द है, समण और ब्रह्मण दो पाली भाषा के बड़े इंपोर्टेंट शब्द हैं, क्योंकि पाली भाषा हिंदी भाषा में कन्वर्ट हो गई। समण का मतलब है जो भारत का मेहनतकश, समता वाला, समानता वाला, जो साधु संत टाइप के यानी सीधे सच्चे लोग हैं भारत के ओरिजिनल रहने वाले, उनको पाली भाषा के अंदर समण बोलते हैं और जो इसके अपोजिट लोग हैं उनको ब्रह्मण बोलते हैं। और भगवान बुद्ध के पहले आदेश में समण और ब्रह्मण का जिक्र आता है, ये कोई भी जो पाली भाषा का जानकार है वो बता सकता है। इसलिए समण से आप कंफ्यूज ना हो, समण भारत के मूल निवासियों के लिए, मेहनत करने वालों के लिए, समतावादी, प्यार वाली, जो न्यायविद लोग हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। अभी आपने जो एक जिक्र स्टार्टिंग में जो कहा कि मतलब जो साहब काशीराम के समय के लोग थे, तो आप कहीं ना कहीं बसपा को वो टारगेट पर ले रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बसपा भी कहीं से ना कहीं वो आपकी भावनाओं पर या अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर रही है। अभी बसपा का जो पिछले 5-6 साल का जो रिजल्ट रहा है वो अच्छा नहीं रहा है, उसके लिए आप क्या बसपा के नेतृत्व को, शीर्ष नेतृत्व को जिम्मेदार मानते हो या कार्यकर्ता को जिम्मेदार मानते हो? इसमें आर विष्णु जवाब देंगे। आपका जो प्रश्न है ये राजनीति से जुड़ा है, क्योंकि काशीराम जी ने बड़ी मेहनत करके बसपा को पढ़ाया,
और उनके समय तक बसपा ने बहुत अच्छा काम किया। कांशीराम जी के जाने के बाद इसकी बागडोर जिसके पास भी आई उन्होंने उस विचारधारा के अनुरूप काम नहीं किया, इसका मेन कारण है। अब इसको जानेगा कौन? इसको जानेगा वही जो उसकी विचारधारा को जानता हो, क्योंकि कांशीराम जी के साथी और कांशीराम जी के बाद में जो उनके बनाए हुए यूथ वो सब जानते हैं कि विचारधारा क्या थी। और आज जो विचारधारा है जिसका नाम आप ले रहे हैं पार्टी का बसपा, वो पूरी तरीके से अलग है, पूरी तरीके। आप ये मानते हैं कि साहब कांशीराम की बसपा और बहन जी की बसपा में फर्क है? बिल्कुल फर्क है। क्या मूलभूत फर्क क्या है? मूलभूत फर्क यह है कि विचारधारा इस देश में ब्राह्मणवादी, अभी साहब ने बताया कि समण समाज और वह समाज, उसके हिसाब से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ जो लोग जानते हैं उस भाषा में, कि लोग जो है ये दो चीज जानते हैं, एक ब्राह्मणवादी एक अम्बेडकरवादी। मैं ब्राह्मणवादी को अलग रखता हूँ और अम्बेडकरवादी को थोड़ा और विस्तृत करता हूँ। इसको मैं पीपीए आइडियोलॉजी बोलता हूँ, फुले पेरियार अम्बेडकर आइडियोलॉजी। ये आइडियोलॉजी और ब्राह्मणवादी आइडियोलॉजी दोनों परस्पर विरोधी विचारधाराएं हैं। कांशीराम जी के समय तक विचारधारा पीपीए थी, उनके जाने के बाद विचारधारा में फर्क आ गया, ब्राह्मणवादी की तरफ चले गए, ये बहुत बड़ा कारण है। तो आप ये मानते हैं कि ब्राह्मणवाद की तरफ जाकर के पार्टी पतन की तरफ है, तो उसको बचाने के लिए जो आप जो कांशीराम साहब के समय के लोग हैं उस पूरी ताकत उस बसपा को बचाने के लिए लगाएंगे, बसपा को दोबारा कांशीराम साहब की विचारधारा बनाने के लिए? हमने आज से करीब 10-15 साल से जब से हमने देखा कि पार्टी अपने रास्ते से भटक रही है, उसके बाद बहुत कोशिश की, आपके पार्टी के जो मुखिया हैं उनसे इनडायरेक्टली हमने कॉन्टेक्ट किया, इनडायरेक्टली, डायरेक्ट हमारी औकात नहीं है उनसे बात करने का, क्योंकि उनके यहाँ के विशेष प्रकार का आदमी चाहिए जो उनसे बात कर पाएगा, वो हमारे अंदर क्वालिटी नहीं है। हमने इनडायरेक्टली बहुत ट्राई किया, उनके खास खास लोगों तक ये बात पहुँचाई कि आप बताइए कि बहन जी को अपनी उस विचारधारा के अनुरूप काम करना चाहिए, ये उस रास्ते से भटक गई है, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। गौतम जी, आप उसका जवाब नहीं देना चाहते? सुधीर जी, ये जो आपने अपने प्रेस रिलीज में लिखा है कि तभी सभी सामाजिक संगठनों, संतों महापुरुषों पर आधारित जो संगठन है जिनको आपने टारगेट किया है, ये जो टारगेट क्या है, इसके अंदर क्या राजनीतिक संगठन भी शामिल है? सभी प्रकार के राजनीतिक है, या जितनी भी सेना दल बल और जितना युवा ब्रिगेड वगैरह जो बन रही है वो भी है, या जो सामाजिक है, या जो जितने भी प्रकार के पंथ और जितने भी धर्म वाले लोग हैं धार्मिक है वो भी। क्या आपको लगता है कि आपके इस रिलीज के बाद जो मतलबी और लालची लोग समाज के अंदर संगठन लिए हुए बैठे हैं, क्या वो सड़क पर आएंगे, आपका साथ देंगे, या आपको ऐसा लगता है? अगर सबको अपना विकास चाहिए और सब चाहते हैं कि हम बाबा साहब के दिए हुए जो सामान है उसका हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकें और हम आगे बढ़ें, तो लोगों को साथ आना पड़ेगा, और लोग अगर साथ आएंगे तो ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं ये सब छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे। सर, जिस तरीके से पिछली बार देखने को मिला था काफी संख्या में संगठन आपके साथ थे, आज कुछ कम देखने को मिल रहा है, ऐसा क्यों? आज संगठनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, आज आम आदमी इधर जो खड़े हुए हैं वो आम आदमी की है और मीडिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमने कहीं नहीं लिखा कि संगठन इसमें आने वाले हैं या संगठन से आप रूबरू होंगे। सुधीर जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, उदय राजू जब तक बीजेपी में 5 साल सांसद रहे तब उनको समाज की याद नहीं आती, तब वो भी लिखते हैं मैं भी चौकीदार, जब टिकट कट गया कांग्रेस में चले गया, वो भी दिल्ली में बड़ी रैली कर रहे हैं। ये करमवीर सिंह जी हमारे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष हैं और इन्होंने क्या बोलते हैं रामराज जी को बहुत आगे बढ़ाया, हमने बढ़ाया है मगर इन्होंने ज्यादा बढ़ाया, पूरा हरियाणा लेके आए। ये सवाल के जवाब ये भाई, आप पूरा हरियाणा लेकर के आते तो राज रैली और आज आप यहाँ पर आके क्यों? नहीं, जो जिस मिशन को लेके चले थे और जिस मिशन से आज हम बात कर रहे हैं उस मिशन पर काम नहीं किया, उस काम नहीं किया तो लोगों ने छोड़ दिया। हरियाणा में सबसे पहले जो है ना, जब वो पार्टी ज्वाइन किया था तो करमवीर सबसे पहले छोड़ने वाला में से। आप कह रहे हैं लोगों ने छोड़ दिया और वो दावा कर रहे हैं कि आज भी 2 लाख लोग आएंगे रामलीला मैदान में, आप जाके देखे कितने लाख आते हैं। तो मतलब आप ये मान रहे हैं कि उनकी रैली फेल रहेगी आज? नहीं, फेल नहीं होगी, जो विचारधारा से जो लोग भटकेगा। 2 लाख की तो जगह भी नहीं है रामलीला मैदान में। अच्छा, दिल्ली में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पिछले 20-30 साल से काम कर रहे हैं मूवमेंट पे और रिजल्ट जो है वो कहीं ना कहीं जीरो है, जो उनके साथ लोग लगे थे उनकी साइकिल भी बिक गई और जो लोग जिनको वो नेता मान रहे थे उनकी गाड़ियां और घोड़े और क्या नाम है बिल्डिंग बन गई, ये मतलब ये रीजन क्या है, पैसा आता कहाँ से? आज ये जो सारे सुंदर जी देंगे आगरे से आए हुए, इसका जवाब देखिए सीधा सा सवाल है, जब कांशीराम जी जिंदा थे तो बीएसपी की आइडियोलॉजी में बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की बात हो रही थी, लेकिन जब
काशीराम जी का अपशान हुआ उसके बाद विचारधारा सर्वजनेताय सर्वजन सुखाय की ओर बढ़ गई और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से जैसे ही सर्वजन सर्व हिताय और सर्वजन सुखाय की बात आई उन लोगों का अलगाव हो गया जो काशीराम जी से जुड़े थे या जो उनकी विचार मूल विचारधारा से जुड़े थे। जब बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की बात ही नहीं है तो वो उससे जुड़ करके क्या करेगा। और यही कारण है कि आज ये सारा का सारा जो आक्रोश है वो हमारे अंदर से निकल रहा है। हम कोई नेता नहीं है, हम उन नेताओं से ही कहना चाहते हैं जो अपने आप को समाज का ठेकेदार समझे बैठे हैं, उनसे आह्वान कर रहे हैं कि हमारे लिए हम अपना सब कुछ तो मैं दे चुके, धन से भी आपकी मदद करते हैं, तन से भी मदद करते हैं और मन से भी करते हैं, इवन दो भी हमको कुछ भी नहीं मिल पाता, हमारा समाज और उल्टा गड्ढे में जा रहा है। जो 6,743 जातियां जो पहले थी, अभी आपने 10,000 से ज्यादा संगठन भाई साहब गिना चुके हैं, वो 10,000 इसका मतलब कि बाबा साहब ने इतना मेहनत करके लगभग उनके राजनीतिक जीवन के 65 साल की उम्र में, मैं उनके अगर 40 साल भी राजनीतिक जीवन के मान लूं तो उन 40 साल में जो उन्होंने 6,743 जातियों को 3 जातियों में कन्वर्ट किया, एससी एसटी एंड ओबीसी, वो 3 जातियों में ला पाए, हमने उस कंसेप्ट को ही खत्म करके फिर 10,000 जातियां बना डाली। 10,000 संगठन का मतलब फिर दोबारा से उसको खोल दिया, उस गुलर के पेट को बंद करने के बजाय हमने उसे उल्टा और खोल दिया। और ये कहीं ना कहीं लोगों से नाराज है जो लोगों ने संगठन बना कर अपने अपने संगठन बना लिए। बिल्कुल हम उनसे नाराज नहीं, हमें उनके रिजल्ट नहीं आए। सुधीर जी आप लंबे समय से धम्म पे काम कर रहे हैं, आपके वीडियो पूरा देश देखता है, सराहता है, देश के बाहर भी देखे जाते हैं, आपके बड़े अच्छे मित्र रहे, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पर उनका, हमने देखा कि जब नहीं, आप नाम लीजिए। नहीं नहीं मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, मेरा अभी जवान उतनी खराब नहीं हुई है। हाँ तो वो जब उनके घर में जब उनके फादर मदर की डेथ होती है तो घर में पंडित जी को बुला करके हवन कराते और अमृत भवन पर आकर के फिर वही बौद्ध भिक्षुओं को आकर के चीवर दान करते हैं। ऐसे लोग जो मतलब चेहरे पे चेहरा लगा करके घूम रहे हैं, ना प्योरली बुद्धिस्ट है ना हिंदू है, घर में शादी होती है तो बौद्ध, अपनी बेटी की शादी होती है तो हिंदू धर्म से होती है, पत्रों में दिखवाते और बात करते हैं, जय भीम का नारा लगाते हैं, उनके लिए क्या है? दो तरह के लोग हैं इसमें पूरी दुनिया के अंदर, एक तो वो होते हैं जो लोगों के हिसाब से चलते हैं और एक वो होते हैं जो लोगों को अपने हिसाब से चलाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर हैं, बुद्ध हैं, काशीराम जी हैं, ज्योतिबा फुले हैं, ये लोगों के हिसाब से कभी नहीं चले, ये प्रकृति के हिसाब से और सही जो होता है उसके हिसाब से चले। और बाकी जितने भी जिनको आपका वोट चाहिए, आपका पैसा चाहिए या आपकी सपोर्ट चाहिए या जिनको बड़ी पोजीशन चाहिए, वो आपके हिसाब से चलते हैं। जब आप उनको ये नहीं कहते कि आप ये गलत कर रहे हैं, आपने विचारधारा के अगेंस्ट काम किया है या आपका विचारधारा ठीक नहीं है, आप नाम कुछ ले रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, कह कुछ रहे हैं, जब आप उनसे ये प्रश्न ही नहीं पूछते तो उनको लगता है कि जो वो कर रहे हैं वो ठीक है और बहुत बढ़िया है। जब कोई मजबूर आदमी उनके पास आता है तो वो उसकी पूरी मजबूरी को निचोड़ लेते हैं, उसका फायदा उठाते हैं, वो बेचारा उनसे सवाल नहीं कर पाता, उसकी अपनी परेशानी इतनी होती है, वरना वो उसको उस परेशानी में डाल देते हैं जबरदस्ती कि ताकि वो उनको निचोड़ के आए। ये दो प्रकार के लोग हैं, इसलिए हमारे जैसे जो कॉमन लोग हैं वो इसी बात का आज से प्रचार प्रसार आरंभ कर रहे हैं कि इन लोगों को पहचानो, इनसे पूछो कि आपने कहा क्या था, हुआ क्या और रिजल्ट कहाँ है। आप अगर ध्यान से देखेंगे ऐसे लोग जो पहले कभी रामला मैदान के अंदर 50,000 आदमी इकट्ठे करते थे, फिर वो छोटे से एक हॉल के अंदर 2,000 आदमी इकट्ठे करने लगे, फिर उन्होंने 400 आदमियों की एक रैली करने लगी और जब वो भी फेल हो गई तो उन्होंने इनाम पिनाम देके या लालच देके या रोटी पानी देके लोगों को बुलाना शुरू किया, किराया देके बुलाना शुरू किया। आप देखिए कि संगठन का जो ओरिजिनल था वो पतन कितना हो गया। 50,000 आदमी अपनी मर्जी से इकट्ठा होकर आता है रामला मैदान के अंदर और एक कोठरी के अंदर जो 700 आदमी आता है उसको रोटी के लालच में, उसको प्रचार के लालच में, उसको पगड़ी के लालच में, उसको पैसे के लालच में, उसको एक प्रशस्ति पत्र के लालच में, उसको एक इनाम के लालच में बुलाया जाता है, तो समाज अपने आप नहीं आ रहा है उन्हें, क्योंकि उन्हें अपनी पोजीशन दिखानी होती है, तो इसको बताएगा कौन, पहचानेगा कौन। करमवीर जी आप लंबे समय तक बसपा से जुड़े रहे हैं और साहब के साथ आपने काम किया है, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यहाँ उठता है, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव है वो बीता है, 11 सीटों पर उपचुनाव हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, 5 सीटों पर बसपा की जमानत जब्त हो गई। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि उत्तर प्रदेश जैसा जो बसपा का गढ़ कहा जाता है वहां 5 सीटों पर जमानत जब्त हो जाना, और एक सीट में आपकी जानकारी के लिए बता दूं रामपुर जो आजम खान झांसे एमपी बने हैं उनकी वाइफ वहां लड़ी, वहां शेड्यूल कास्ट का लगभग 1,28,000 वोट है और उसमें मात्र 3441 वोट बसपा को पड़ना, ये क्या है, इसके पीछे क्या कारण है? मैं राजनीतिक नहीं, मैं सामाजिक आदमी हूँ,
और जहाँ तक है, लेकिन अपने विचार में इस बात को रख सकता हूँ कि यही चीज इन्हीं बातों को देखकर जो है समाज को नुकसान हो रहा है। आज जितने बुद्धिजीवी लोगों ने इकट्ठा होने का कारण यही कारण देखा है कि समाज किधर जा रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। हरियाणा में अगर आप उदाहरण देखेंगे, हरियाणा में दो समाज के लोग थे, जाट और चमार, जिन्होंने प्रेजिडेंट सरकार का डट के विरोध किया, लेकिन जो जाट था वो इतना बुद्धिजीव है कि सरकार में हिस्सेदारी ले ली। चमार वही का वही है, सरुकार वही का वही है। तो कहने का भाव यही है कि जो भैंजी का जो समझौता हुआ था सामाजिक धर्म में, तो तीन तीन दलों से समझौता हुआ, तीनों के साथ तोड़ दिया। हाँ, समझौता हुआ, इतना बढ़िया समझौता हुआ, पिछली गलतियां मानी, पिछली गलतियां दूसरी पार्टी ने मानी और हर जगह भैंजी को सम्मान दिया, जैसे कि हमने टीवी चैनलों के माध्यम से देखा। तो वो समझौता तोड़ के इतनी बड़ी गलती की, फिर हरियाणा समझौता किया फिर तोड़ दी, तो क्या मानते हो? और जो ना 20 दिन पहले समझौता करते फिर तोड़ते हो, तो कहने का मतलब यह है कि बिल्कुल मोल भाव करना शुरू कर दिया। वो कैसे मोल भाव? हम देखते हैं सरकार में बैठे हैं कि हम जहां भी जाते हैं वही हमें जो ना सुन वाला बोला जाता है। हर लोग, हर आदमी अदर दूसरी कास्ट भी हमारा जो ना दुश्मन बन चुकी है, बहन जी जो पार्टी की मुखिया हैं वो ये सारा कुछ अपनी मर्जी से कर रही हैं या उनके ऊपर भी किसी का दबाव है, उनसे करवाया जा रहा है? जैसे अक्सर कहा जाता है कि बहन जी आरएसएस और बीजेपी के प्रभाव में हैं, उनके भाई ने बहुत सारी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रखी, उसको बचाना है। अभी हाल ही में 403 करोड़ का एक प्लॉट जो है वो आया से अधिक संपत्ति के मामले में जब्त कर लिया गया है। मैं आपसे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो बसपा ने जो ना जो संगठन चलाया, बसपा ने जो ना मैं यूपी में सरकार बनाई, ठीक है, लेकिन क्या शेड्यूल कास्ट भी शेड्यूल कास्ट का दुश्मन हो चुका ड्यू टू बसपा? उसके उसमें हमने कभी ध्यान नहीं दिया। और हमारे गौतम जी ने कहा, हमारे जैसे आदमी इतने साल से अंबेडकरवादी काम कर रहे, बड़ी बड़ी पोस्टों पर रहते हुए सरकार में बैठे हैं और जो विचारधारा को फैलाया हमने, जो अंबेडकर आईडिया बुद्धिज्म का प्रचार किया, तो वो कहाँ जाएगा आदमी जो आज जागरूक हुआ है? आज अगर आप जिस संगठन की बात कर रहे हैं जो चलाया, तो वो जब से हमने इतने सालों से जो अंबेडकर आईड चला उसी उसकी देन है, जागृति आई है। लेकिन उस वजह से क्या हुआ कि वो लोग अब पिछड़े भागे, तो मिलने के लिए हमारे जैसे गौतम जैसे लोगों को, बैंकों को मिलने के लिए भी हमें बहुत ज्यादा मकसद करनी पड़े और उसके बाद भी जो रिजल्ट सुनने रहे, तो क्या है? क्या बसपा वाले लोग जो कहते हैं कहे ना कोई जो ना अपने गौतम जी के हम बस बैंकी से मिलाएंगे, प्रधानमंत्री से मोदी से हम इजिली मिल लेते हैं, मनमोहन सिंह से इजिली मिल लेते हैं, दूसरे नेताओं से इजिली मिल लेते हैं। हमारे नेता, हमारे आदमी जो ये इतने 20 साल से काम करता हो, उसको मिलने में भी दुख होता है। अभी आपने कर्मवीर जी बहुत धर्म की बात कही, अभी हाल ही में एक संत बागमारे हैं, पुणे के रहने वाले हैं, अभी हाल ही में रविदासी जो रविदासी मंदिर को लेकर के बड़ा हाय हुल्लड़ पूरे देश के अंदर हुआ, और उसमें उन्होंने घोषणा की कि जनगणना में अपने आप को रविदासी लिखवाए और अपना धर्म रविदासी लिखवाए, और उसके पीछे कहीं ना कहीं हरियाणा पंजाब और उत्तर प्रदेश के 5 जिले बागपत बड़ौद शामली मुजफ्फरनगर, ये जो हरियाणा टच लोग हैं जो अपने आप को रविदासी कहते हैं, जो अपने आप को चमार कहते हैं, चमार नाम से अपने आप को संबोधित करते हैं, ये कुछ लोग जो विदेशों में जो एनआरआई रह रहे हैं पंजाब के, वो ताकते कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म को डैमेज करने में, या जो संत बागमारे ने ये बात कही वो या केवल उसके बारे में क्या बाबा साहब से ज्यादा बुद्धिमान है वो लोग? देखो ये देखिए, जब सुधीर जी टकराव ये है कि बौद्ध धर्म या रविदासी धर्म, अभी नई चीज चली है रविदासी धर्म जिंदाबाद, ये क्या है? पहली बात तो ये है कि आज ना शाम 4 बजे मेरा एक पैनल डिस्कशन है, उन्होंने मुझसे पूछा कि हम चाहते हैं कि धर्म की बौद्ध की तरफ से आप आए, बाकी सिख और जैन और वेदों की तरफ से और सनातन की तरफ से बहुत लोग वहां आ रहे हैं, मैं भी उस पैनल में हूँ, बड़ा पैनल है, आर्य समाज ने किया है। मैंने उनसे कहा कि आप मेरा ना बौद्ध धर्म मत लिखिए इसमें। बोले क्या लिखे? मैंने कहा आप लिखिए इसमें प्राकृतिक जो तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा, वो फिलोसफी है। हमको जबरदस्ती धर्म में ढकेला जा रहा है, हम धर्म नहीं है, हम तो यूनिवर्सल हैं, पूरी दुनिया में हैं हम तो। जो बुद्ध को स्टडी करता है और जो जानता है उसको पहचानना चाहिए और सभी लोगों को जानना चाहिए, हम धर्म नहीं है, हम मजहब नहीं है, हम रिलीजन नहीं है। उसमें एक गॉड होता है, एक ईश्वर होता है, एक उसके अंदर अल्लाह होता है, या एक ऐसी प्राकृतिक शक्ति होती है जो सबको कमांड करके आती है, उसमें लोग मजहब बनाते हैं। हमारे जो हम प्रकृति में वो सारे मनुष्य में है, जो वो मानते हैं गॉड अल्लाह ईश्वर वाले, उनके अंदर भी वो ताकत है जो बुद्ध ने खोज के बताई है कि एक मनुष्य के अंदर क्या होता है। तो वो जो संत या महात्मा, चूंकि हमारे यहाँ लिटरेसी बहुत ज्यादा है, कपड़े लेके बहुत हैं, भक्त लोग बहुत हैं, तो वो सब्स्टिट्यूट चाहते हैं कि वो कहीं अगर वो झुकते हैं, कहीं वो पूजा पाठ करते हैं, तो उनको दूसरी जगह भी वही चाहिए। उनको बताने वाले हमारे पास बहुत कम लोग हैं अभी, मगर धीरे धीरे ये संख्या बढ़ रही है। जैसे बाबा साहब का सपना था कि भारत बौद्ध में हो, और नहीं, उनका सपना था कि भारत जो हो वो प्रबुद्ध हो, प्रबुद्ध हो या बौद्ध में हो, अंतर है दोनों में।
प्रबुद्ध में जागृत होता है आदमी, चीजों को देखता रहता है, बौद्ध में मूर्ति के आगे बैठ के पूजा करता है। चलो हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन अब संत भाग मारे कह रहे हैं कि अपने आप को रामदास जी लिखवाओ, तो आप इनका विरोध क्यों नहीं करते? नहीं नहीं, हम इसलिए विरोध नहीं कर रहे क्योंकि विरोध करने से ऊर्जा बढ़ती है। आग में आग डालोगे तो आग और बड़ी होगी। हमें कहीं भी आप देखोगे जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो कभी प्रचार नहीं करते, कभी भी किसी ये नहीं कहते कि आप बुद्धिस्ट हो जाओ। आप बुद्धिस्ट हो, आपके पास कभी कोई बंदा नहीं आया होगा, कोई नहीं कहता कि आप बुद्धिस्ट हो जाओ या आपको हम स्कूल में एडमिशन कराएंगे या आपको उसका टिकट मिलेगा या आपको फायदा मिलेगा। ये कमाल की बात है पूरी दुनिया के अंदर, और आप भारत को छोड़िए, आप थोड़ा स्टडी करेंगे अगर यूरोप में चले जाएंगे, यूरोप में बुद्धिज्म का जो फिलोसफी है वो बहुत बुरी तरह से फैल गई है। जर्मन के अंदर बहुत लोग चले गए हैं, यहाँ तक कि जो काले देश हैं जिनको अफ्रीका बोलता है वहां भी धम्म चला गया है। ये प्राकृतिक चीज है जो लोगों को शांति लिए चाहिए। सुधीर जी, तमाम राजनीतिक जो संगठन बने हैं या राजनीतिक मंशा के जो लोग हैं वो पहले सामाजिक स्तर पर काम करते हैं, धीरे धीरे संगठन बनाते हैं, संगठन के बाद लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और फिर वो राजनीतिक हो जाते हैं। आपकी जो पूरी टीम के अंदर कुछ लोग रिटायर हो गए हैं, कुछ रिटायर की संभावनाएं तलाश रहे हैं, और अक्सर मंचों पर कहा जाता है कि रिटायरमेंट होने के बाद हमारे समाज के जो पढ़े लिखा वर्ग है उसको मालाएं पहनाओ, शॉल पहनाओ और सम्मानित करो, चाहे उन्होंने अपनी जवानी में कुछ किया या नहीं किया। तो क्या आप लोगों की टीम में भी कुछ ऐसी राजनीतिक मंशा है? नहीं, पहली बात तो ये टीम नहीं है, आप जवाब देंगे? नहीं, 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 आप देंगे? हम तो टीम की तरह खड़े, तो टीम ही बोलेंगे ना हम तो। आप हमें समाज बोलिए, आपका जो कहना है वो सार्थक है। मैं भी सरकारी विभाग में नौकरी किया हूँ और 38 साल नौकरी करके रिटायर हुआ। नौकरी के दौरान भी मैं समाज से जुड़ा रहा, समाज के हर उस व्यक्ति को जो नीचे पायदान पर था, गरीब था, शोषित था, उसकी हर प्रकार से मदद किया। गरीब बच्चों को पढ़ाने में मदद किया, 3-4 बच्चों को मैं अपने पैसे से पढ़ाया और आज वो 4 बच्चे नौकरी कर रहे हैं। ऐसी बात, आपके जैसे लोग बहुत कम हैं। आज दिल्ली के अंदर 100 से ज्यादा शेड्यूल कास्ट के प्रिंसिपल हैं। अगर समाज का कोई बच्चा उनके यहाँ टेस्ट करवाने चला जाता है तो कहते शाम को 5 बजे आना, शाम को 5 बजे बजाय घर पे पूछते पापा सो गए। ये हकीकत है, ये हमारा अपना खुद का पर्सनल अनुभव है। मैं इसलिए इस सवाल को उठा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों की मनसा भी माला पहनने की है, राजनीतिक बनने की है, या बहन जी से पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है? नहीं, नहीं। आप भी ऐसे लोगों को उजागर करिए ना, नाम लेके उजागर करिए, समाज के जो लोग समाज का नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल, आप बताइए, आप बताइए। नहीं बोले, ऐसा है जिस व्यक्ति के अंदर संस्कार के तौर पर बचपन से मानवता की भावना होती है, मानव कल्याण के कार्यों के प्रति जागरूकता रहती है, चाहे वो नौकरी में रहे, चाहे बिजनेस में रहे, चाहे वो कहीं भी रहे, वो मानवता के काम करता रहता है और जब तक वो जीता है तब तक मानवता के बारे में सोचता है और करता है। हर आदमी नेता नहीं बना। मेरा एक सवाल है क्योंकि जैसे आप बात कर रहे हैं समर समाज की जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने ही दलों को अपने ही उनको बाबा कटाक्ष करते रहेंगे तो हम जोड़ने का काम कहाँ कर रहे हैं, तो तोड़ने का काम कर रहे हैं। जैसा है, आप कटाक्ष कैसे कह रहे हैं? मेरा कहने का उनसे मतलब यही है कि जो इस समाज से गए हुए लोग राजनीति कर रहे हैं वो किसके नाम पर कर रहे हैं? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के? नहीं, वो तो एक हम ये कह सकते हैं कोई एक पॉलिटिकल पार्टी से बीएसपी तो नहीं है ना, अदर भी पॉलिटिकल पार्टी से बीएसपी को क्यों टारगेट किया जा रहा है? दूसरी को भी किया जा सकता है, क्या आरपीआई नहीं है? बाबा साहब की बनाई आरपीआई उसे क्यों नहीं टारगेट किया जा रहा? आप शायद चूंकि लोगों के मन में और मस्तिष्क में घुसा हुआ है बीएसपी, शेड्यूल कास्ट और बीएसपी एक बात, ऐसा नहीं है सर। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ क्यों आपके लिए बीएसपी ही क्यों टारगेट? मैं बीएसपी को टारगेट नहीं कह रहा, चूंकि बड़ी मशक्कत के बाद कांशी राम जी ने इस पार्टी को जन्म दिया, बड़ी मशक्कत के बाद, कई साल की मेहनत के बाद और एक विचारधारा के बेस पर बनी, और ये उस विचारधारा पर अगर चल रही होती जैसे कि बीजेपी, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बीजेपी गवर्नमेंट है उसके पास एक विचारधारा है गुलबर्गर की, आरएसएस की, उस पर चल रही है, वो पहले से अब फल फूल रही है। हमारे पास अगर ये विचारधारा रही होती तो आज आपकी पार्टी केंद्र में भी शासित होती, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। ये बड़ा फर्क पड़ा है, विचारधारा से हट गया, व्यक्ति पूजा पे आ गया, व्यक्तिवाद पे आ गया तो सर्वनाश होता है। बाबा साहब का वो भाषण याद कर लेना चाहिए हमें, 25 नवंबर 49 वाला, व्यक्ति पूजा से दूर भागो भाई, विचार पे चलो। ये बहुत सी चीजें हैं कि बाबा साहब का नाम तो लेते हैं लेकिन उसके अनुसार काम नहीं। सिर्फ ये उस पर आरपीआई को भी तो टारगेट कर रहे हैं। बसपा बसपा के साथ कहते हैं कि बीएसपी अपने विचारधारा से हट गई है। नहीं, इसलिए जब हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो जैसे आपने आरपीआई का नाम लिया, आरपीआई का क्षेत्र क्या है? आरपीआई सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित है और बसपा पूरे देश में नेशनल पार्टी बनी है।
और हम जब कहते हैं कि काशीराम जी का आंदोलन फेल हो गया या नीचे आ गया या उसको बर्बाद कर दिया, तो जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी तो क्वेश्चन तो उधर ही उठेगा ना। हम रामदास अठावले की ओर थोड़ी ना क्वेश्चन उठाएंगे, या दादा गायकवाड़ जो, जो, जो उनकी ओर थोड़ी ना क्वेश्चन उठाएंगे, हम मायावती जी के क्वेश्चन उठाएंगे। आज अभी हमारे साथी ने बोला कि मायावती जी हम राहुल गांधी से मिल सकते हैं, मोहन भागवत से मिल सकते हैं, अमित शाह से मिल सकते हैं, मायावती जी से नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? उन्होंने एक चीज नहीं बोली कि हम उनसे मिलना बहुत आसान है, मायावती जी से मिलना, केवल आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास 1,00,000 रुपया होना चाहिए, 2,00,000 रुपया होना चाहिए, आप मिल सकते हैं। क्या क्या जिन्होंने काशीराम जी के आंदोलन का एक तरह से उत्तराधिकारी थी, पूरा उत्तराधिकारी बना के उन्होंने पूरे सब कुछ बागडोर उनको दे दी, क्या वो उनसे अगर कार्यकर्ता मिलने के लिए पैसा देना पड़े तो क्या ये शर्म की बात नहीं है? और अगर हम उस आंदोलन को पुनर्जीवित करने के लिए सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो आप ये क्वेश्चन करें कि हम बसपा की ओर क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? तो आखिर किस पे क्वेश्चन करें? कि हम भाजपा पे क्वेश्चन करें, कि हम कांग्रेस पे क्वेश्चन करें? हम जब काशीराम के आंदोलन को पुनर्जीवित करना चाहते हैं और जब भी हम उनके काशीराम जी का नाम लेंगे तो बार बार बसपा पे क्वेश्चन उठेगा, ये आप सबको मान चुके। सर आपकी ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी है कि माननीय साहब के बाद लोग आप पर उतना ही भरोसा करें? किस तरह से आप काम करेंगे? मैं बताता हूँ आपको, हमने बहुत अध्ययन किया और अध्ययन करने पर यह पाया कि पहला नुकसान हमारा ये हो रहा है कि हम जो हमारी मूल राजनीति की धारा है, जो कूटनीति है, समण समाज की गढ़ समाज, यानी कि ये जितने भी लोग हैं इनका एक कलेक्टिव डिसीजन होना चाहिए और वो बताया जाना चाहिए, वो हम भूल गए। हमने क्या किया कि जितने भी लोग हैं उनको पीछे खड़ा किया और एक व्यक्ति को आगे खड़ा किया, वो गलत कहे या सही कहे, कहे या ना कहे, उसकी मर्जी है। तो इसको व्यक्तिवाद में बदल दिया और व्यक्तिवाद जो वमण समाज का जो प्रधान नीति है उनकी है। वमण समाज में हमेशा व्यक्तिवाद ही आबाद होता है, उनमें गणतंत्र नहीं चल सकता। ये नीति है, ये कूटनीति है और ये बिल्कुल एस्टैब्लिश्ड है। तो हमने व्यक्ति को आगे बढ़ाया, व्यक्ति अपनी सोच के दायरे में हमको कहां ले गया हमें पता ही चला, और हमने देखा कि परिणाम तो आ नहीं रहे हैं, परिणाम जो आगे बढ़ने चाहिए। परिणाम क्या है? परिणाम ये है कि हमारे घर में जितने बच्चे हैं अगर उनमें पहले 40 की नौकरी लगी तो अब 80 की लगनी चाहिए। हमारे पास खेत अगर 80 बीघा थे तो अब 800 बीघा होना चाहिए। हमारे पास अगर इंडस्ट्री 0 थी तो कम से कम 100 इंडस्ट्री हमारे पास होना चाहिए। हमारे पास अगर पहले एक जर्सी थी तो कम से कम हमारे पास 2 कोट और होने चाहिए। हमारे पास एक कमरे का मकान था तो हमारे पास 3 कमरे का मकान अगले 20 साल में तरक्की करके होना चाहिए। हमारे पास अगर आज एक छोटा मोबाइल स्टूडियो नहीं है या कर रहे हैं तो हमारे पास अगले 10 साल में एक स्टूडियो होना चाहिए। हम अगर अब स्कूटर पर जा रहे हैं काम करने के लिए तो हम अगली बार कार से जाएं, इतना हमारे पास होना चाहिए। हमारे बच्चे अगर गांव तक घूम के आ रहे हैं तो अगले 10 साल के अंदर वो बड़े शहर में भी घूमने जाएं। ये तरक्की के निशान होते हैं, ये तरक्की की चीजें होती हैं। तरक्की इस बात से नहीं होती है कि एक व्यक्ति की तरक्की हो गई तो समाज की तरक्की नहीं मानी जाती। तो हमने देखा कि आओ कोई भी, आप चाहे इतने सारे दलबल बना लिए आपने, इतनी सारी पार्टी बना ली, इतने सारे आपने धर्म के पंथ बना लिए, आप एक व्यक्ति हमारे दिमाग को गुमराह करने में लगा पड़ा है। एक व्यक्ति से मतलब है कि जो संगठन का हेड है, और वो बेवकूफ बना के क्या कहता है? वो कहता है अरे मैं तुमको रिजल्ट दूंगा, तुम मेरे पे यकीन करो, तुम पैसा दो, तुम समर्थन करो, आएगा। और जब भी कोई उससे प्रश्न पूछता है वो उसको धमका देता है या निकाल देता है, मोस्टली तो उसको निकाला जाता है और कई केसों में तो उसको खत्म भी कर दिया जाता है अगर कोई ज्यादा बोलता है। ये पूरी दुनिया की राजनीति का परिदृश्य है। हम इस मामले में अलग हैं कि पहली बात तो हम संगठन नहीं है, हम समाज हैं। दूसरी बात यह है कि हम सवाल कर रहे हैं। आज तक आपने देखा होगा कि कोई सवाल करता ही नहीं है, क्योंकि जो जिस पार्टी का कार्यकर्ता बनता है वो सवाल करेगा नहीं, क्योंकि उसे भी उस आमदनी में हिस्सा मिलता है या उसमें उसे कोई पद वगैरह मिलता है तो वो सवाल करना बंद कर देता है। तीसरा यह है कि हम किसी भी हालत में अपना संगठन ना बना के अपनी कोई ऐसी चीज नहीं बना रहे। हम उन्हीं को कहेंगे कि तुम काबिल हो तो करो, और अगर काबिल नहीं हो तो ये घोषणा करो कि तुम नाकाबिल नहीं हो। तो और हजारों बच्चे हैं, लाखों बच्चे हैं, बड़े काबिल लोग हैं हमारे, बड़े पढ़े लिखे हैं, जो बेरोजगार भी हैं वो संभाल लेंगे। आपको आपको लगता है कि आपके बाद बहन जी मानेंगे और कुर्सी छोड़ेंगे? नहीं, बहन जी का इसमें प्रश्न नहीं। बहन जी जैसे लोग, जैसे लोगों के जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं और उठना नहीं चाह रहे और रिजल्ट भी नहीं दे रहे हैं, आप उनको उठाएंगे कैसे? हमारा उनसे कोई संवाद नहीं है। हम तो उनको सिर्फ एक बार बुला के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप 14 अप्रैल 2020 तक एक सेटेलाइट सिस्टम बना लीजिए, प्रयास किया जा रहा है। और आप अगर नहीं बनाते तो दूसरा हमने दिया है कि ये नौजवान आ रहे हैं, आप तो नाकाबिल घोषित हो जाएंगे अगर आप सेटेलाइट नहीं करेंगे। दुनिया का, पूरे भारत का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 28 राज्य, 9 यूनियन टेरिटरी, 1,120 करोड़ लोगों का साम्राज्य बना सके पूरी जिंदगी में, जिले के नाम नहीं सुना सकता। आपका बड़े से बड़ा नेता भारत के पूरे जिलों के नाम नहीं बता सकता। संगठन तो बनाएगा क्या वो, और क्या वो काम करेगा?
सिर्फ 20 लोगों को इकट्ठा करके, चंदा इकट्ठा करके अपनी मर्सिडीज खरीद देता है, अपनी कार खरीद देता है, अपनी फॉर्चुनर खरीद देता है, और कुछ नहीं है। किसी के पास ना ऑफिस है, ना किसी के पास स्ट्रक्चर है। आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि हमारे कितने लोग हैं उनका नाम पता का कोई रजिस्टर भी नहीं है किसी के पास में, किसी ऑफिस में। अगर आपको तमिलनाडु के किसी क्षेत्र में काम पड़ जाए तो आपके पास में वहां नेटवर्क नहीं है, आप नहीं वहां जाके अपना काम करा सकते। कोई तमिलनाडु का दिल्ली में आए तो ढूंढते रहेगा कि किससे जाके मिले, किससे नहीं मिले। आपका स्ट्रक्चर नहीं है। सुधीर जी, खड़े हैं सुधीर जी, महिलाओं और युवाओं के लिए क्या एजेंडा है आपके पास? महिलाओं का, महिला बताइए। महिलाओं का हम अभी दिल्ली के कुछ हम आपस में हमने इकट्ठा करना शुरू किया है, और हम लोग अभी जैसे 26 नवंबर को भी हम इंडिया गेट पर इकट्ठे हुए संविधान दिवस पर, और धीरे धीरे हम लोग आपस में घरों में मिलकर, दरअसल हम ये चाहते हैं। अभी किसी ने प्रश्न किया था बौद्धिज्म, बौद्धिज्म का मतलब कि रविदासी बने या बौद्धिस्ट बने। दरअसल बौद्धिज्म जो है, बौद्ध जो धर्म है, वो एक जीवन शैली है, वो कोई धर्म नहीं है। जो इसको अपनाएगा, इसके फायदे देखेगा, उस पर चल पड़ेगा। जैसे रैदास की मानसिकता विचारधारा को लोगों ने अपनाया, क्योंकि बहुत समय तक तो लोग पढ़ ही नहीं पाए, लोग जान ही नहीं पाए वो कहना क्या चाह रहे थे। तो ये दो विचार, जैसे अम्बेडकर विचारधारा थी, रविदास ही विचारधारा है। तो धर्म से ही हम जो महिलाएं मिल रही हैं, हम आपस में चर्चा करती हैं समाज में क्या हो रहा है, हमारे बच्चों का कैसे भला हो सकता है हमारा, क्योंकि उद्देश्य एक है। धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि हमारे प्रमोशंस खत्म हो गए हैं, नौकरी तो बहुत दूर की बात है लगने की, हमारे प्रमोशंस खत्म हो गए हैं, लोगों को डिमोट कर दिया गया और कोई आवाज नहीं उठा रहा। क्यों? क्योंकि जिनकी जिनका हुआ वो बेचारा रोकर अपने घर में रह जाता है। तो हम समाज के लोग उनसे प्रश्न करते हैं कि जब हम तुम्हें सब कुछ, सारी ताकत झोंक कर हमने तुम्हें शहंशाह बना दिया, राजा बना दिया, तो अब तुम हमारा क्यों नहीं भला करते? प्रजा तो देखते भी क्यों नहीं हो? क्यों नहीं हमें ये देखते कि हमें क्या कष्ट है, क्या दुख है, और वो दुख कैसे दूर होगा? हम जो आपका एक और प्रश्न था कि फॉर्च्यूनर्स में, हम ये पूछेंगे कि तुम्हारे पास फॉर्च्यूनर्स कैसे आई, कहां से आई, जबकि आम आदमी की बेचारे की साइकिल भी बिक गई। अभी आपने सरकारी कर्मचारियों का उसकी प्रमोशन की बात कही, जो लोग प्रमोशन में आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे थे, जो लोग, जिन लोगों ने संगठन बनाया था, चाहे वो परिसंघ हो चाहे महासंघ हो, सही बढ़कर जिन लोगों ने बना लिया, वो लोग एक तरफ तो सरकार से डिमांड कर रहे हैं, सरकार के मंत्रालयों के जाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां जाकर के शोर शराबा कर रहे हैं अपने लोगों को ले जाकर के, दूसरी तरफ उन्हीं मिनिस्टर्स को बुला करके अपने ऑफिस में हर हफ्ते कोई ना कोई छोटा मोटा फंक्शन रख करके उनको माला पहनाते हैं, उनको बुक्का देते हैं, उनको शॉल पहनाते हैं, फिर उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, फिर उन फोटो को समाज में दिखाते हैं, देखो हम कितने बड़े। मतलब ये चल क्या रहा है गोलमाल? हमारी उनके साथ लड़ाई है या हमारी उनके साथ मिली भगत है? समाज को क्या ये जो जितने जो प्रमोशन में रिजर्वेशन का जब इशू हुआ तो उसमें सबसे ज्यादा जो है यूपी में लड़ाई लड़ी गई। लेकिन जितने जो संगठन बने हैं, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उनमें जो पदाधिकारी आप देखेंगे तो 80% लोग का जो है उनका उनका जो संबंध सिर्फ व्यक्तिगत फायदे से था, उनके चूंकि हितों पर आघात हुआ, उनके प्रमोशन रोक दिए गए, उन्होंने संगठन बनाए, और उनका जो मतलब था सिर्फ प्रमोशन में रिजर्वेशन को पाने के लिए था। वो लोग कभी बाबा साहब के आंदोलन में शरीक नहीं होते हैं, ना कभी 14 अप्रैल के किसी कार्यक्रम में शरीक होते हैं। वो एक जब उनके व्यक्तिगत हित पर उनका प्रमोशन हुआ इसलिए उन्होंने संगठन बनाया, और उनका मतलब सिर्फ प्रमोशन रिजर्वेशन दोबारा पाना था, इसलिए मंत्रियों को अपने यहाँ बुलाना, उनके साथ संबंध बनाना, किसी तरीके से वो उस रज को प्राप्त करना था। सुनील जी, बाबा साहब के आंदोलन को समझ नहीं, मेरा बाबा साहब का आंदोलन अलग है, लेकिन मैं उनकी भी बात कहूँ कि जो लोग जो उनके नेता थे, जैसे महासंघ हो गया या परिसंघ हो गया, उनके जो नेता थे, चाहे उदित राज रहे हो, चाहे केपी चौधरी रहे हो, चाहे बीएस भारती वर्तमान में चेयरमैन है, ये जो लोग हैं, जितने ऊपर की शैली के लोग रहे, ये सही मायने में क्या लड़ाई लड़ पाए, या जो इनके साथ पीछे लाखों कर्मचारी खड़ा था उसको न्याय दिला पाए? देखो देखो, इसके पीछे मेन चीज क्या है कि भाई साहब का क्वेश्चन जो है ना, वो थोड़ा हटके है कि कर्मचारी के जब रिवर्सन हुई या प्रमोशन रोकी गई तो उसके हम भी एक अंग थे। उदित राज का संगठन बनाने में मेन अहम था, हमने जब जो ना 96 में बनाया तो लोग बाहर आए, और आना भी चाहिए। जब जिस कर्मचारी जिस आदमी के ऊपर कोई अत्याचार होता है तो उनको बाहर आए, और बाहर आके लड़ाई लड़ी भी, ठीक है, अमेंडमेंट भी हुए। लेकिन बात यह है कि आज ये जो समाज खड़ा है, ये समाज एक मांग करता है आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि जितने भी संगठन चल रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक है, धार्मिक है या सामाजिक संगठन है, तो कम से कम पीछे मुड़कर देखे कि भी तूने रिजल्ट क्या दिया और उसका समाज को क्या लाभ मिला।
अगर लाभ नहीं मिला तो उसने अपने आप को विड्रॉ कर लेना चाहिए कि भी मैं रिजल्ट नहीं दे पाया समाज को कोई भी। तो आज आपके माध्यम से यही अपील करना चाहते हैं सारे संगठनों से कि भी वो आए और इसके ऊपर विचार करे। आज जो एमएलए मंत्री बनता है वो आपका एमएलए मंत्री नहीं है, वो आपकी बात नहीं कर पाता क्योंकि वो मानता है बाबा साहब ने जो डबल वोट का अधिकार दिया था कि वो आपके द्वारा चुना गया एमपी नहीं है, इसलिए वो आपकी बात नहीं कर पाता। तो इसलिए इंडिविजुअल भले ही चार नमस्ते हो जाए, चार एमएलए मंत्री आ जाए, उससे काम चलने वाला नहीं है। आप समाज जा चुका है और तड़प रहा है कि ये लोग चलते चलते एक आखिरी सवाल मेरा आप सब लोगों से जो बेहतर दे पाए। हम लोग अक्सर हमारे बड़े नेता ये कहते हैं कि युवा नहीं आ रहा आंदोलन में, युवा आ रहा है। सबको पता है चार दो तारीख का भारत बंद होगा, तो 13 जो लोग मारे गए वो युवा थे, कोई बुजुर्ग नहीं था। मेरा कहने का मतलब है कि जो पिछले 40 साल से लोग दिल्ली में जो मुठ्ठी भर लोग जो कब्जा जमाए बैठे हैं उनके बच्चे दिखाई आंदोलन में नहीं देते, हमारे बच्चों को वो कह रहे हैं कि युवा नहीं आ रहा, लेकिन उनके जो बच्चे हैं तो विदेश में पढ़ रहे हैं, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि युवा आए और सीने पर गोली खाए मेरे तवों में, उनके बच्चे क्यों नजर नहीं आए। तो मैं बहुत सारे नाम गिना सकता हूँ, लेकिन आप बताएं उनके बच्चे कहाँ हैं। इसका जवाब ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है और इसका जवाब इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ये देखिए कि आप अपने युवा से दे क्या रहे हैं और उससे मांग क्या रहे हैं। जब आप ये देखेंगे कि युवा को आपने दिया क्या है और मांग क्या रहे हैं तो आपको इसका आंसर तुरंत मिल जाएगा। हमारे जितने भी लोग हैं, जितने भी सरकारी नौकरियों में आए, वही 40 लाख के करीब लोग थे, अब तो करीब 5-7 लाख लोग रह गए हैं और ये भी जीरो हो जाएंगे। उनके जितने भी युवा हैं वो सब पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, मगर जो सिस्टम पहले से चला आ रहा है उस सिस्टम के अंदर अगर वो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करता है या बताता है, क्योंकि अब वो शहर में आ गया और वो अगर ये कहता है कि वो शेड्यूल कास्ट है या बैकवर्ड है या वो शेड्यूल ट्राइब है, तो उसके मानसिकता जो उसके आसपास में उसके चारों तरफ बुनी गई है वो ऐसी है कि वो इन्फीरियर हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा और वो अवसाद में आ जाएगा। इसलिए वो कॉलेज में, इसलिए वो स्कूल में, इसलिए वो जहां काम करता है अपने आप को छोटा नहीं बनना चाहता, अपनी आइडेंटिटी नहीं बताता। कई लोग तो छोटे मोटे नाम रख लेते हैं, पीछे लगा लेते हैं ताकि उनकी आइडेंटिटी ना हो, फिर वो उससे डर के भागता है, सच्चाई से डर के भागता है। घर में तो जब उसके माँ बाप बताते हैं कि उसके साथ गांव में ऐसा हुआ वैसा हुआ इसलिए वो शहर में आए, या हमें ऐसा मारा गया या ऐसा पीटा गया या ऐसी बेइज्जती हुई तो हम इसलिए आए, वो डर इतना ज्यादा उसके अंदर हो जाता है कि वो ये भूल जाता है कि अगर वो अपनी सच्चाई को नहीं स्वीकार करेगा, या माँ बाप ये नहीं समझ पाते कि जब तक इसको सच्चाई स्वीकार करना नहीं सिखाएंगे ये मारा जाएगा, ये लड़ नहीं पाएगा। और आज की डेट में हम इसलिए मारे जा रहे हैं क्योंकि हमारी जो अधिकतर एनर्जी है, हमारा जो अधिकतर युवा है, वो अभी ये सुधारता ही नहीं है कि वो आया कहाँ से है, उसको बताया नहीं गया, और वो इतना ज्यादा डिप्रेशन में है और इतना ज्यादा दबा हुआ है कि वो ऑफिसों में 12-12 घंटे काम कर रहा है। सुधीर जी, मेरा जो सवाल था, मेरा सवाल ये था, चाहे सुधीर राज है, चाहे ओपी गौतम है, चाहे करणवीर सिंह है, चाहे केपी चौधरी है, चाहे बालक राम है, चाहे एआर जोशी है, चाहे जय भगवान जाटव है, चाहे शांति स्वरूप बोध, जितने भी दिल्ली और एनसीआर में लोग काम कर रहे हैं, मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन मेरा सबसे सवाल भी है कि जब ये कोई हुंकार रैली करते हैं, जब कोई रामलीला मैदान में रैली करते हैं, जब जंतर मंतर पे करते हैं, तो इनके बच्चे कहां होते हैं। मैं वही बता रहा हूं आपको कि मेरा बच्चा आपके साथ में फोटो खींच रहा है क्योंकि मैंने उसको बचपन से बताया है कि वो क्या है क्या नहीं है, और वो टॉप डीपीएस का टॉपर है और मेरे घर में सारे बच्चे टॉपर हैं, और उनको यहाँ स्टेज पर खड़ा कर दूंगा, वो मेरे से अच्छा आइडियोलॉजी बोल देंगे क्योंकि हम उनको यूएनओ के लिए भी तैयार कर रहे हैं। मैंने वही सवाल का जवाब दिया है कि उन लोगों ने छुपाया है, वो लोग नेता बनने के लिए समाज में आ जाते हैं मगर उस आइडियोलॉजी को अपने घर में नहीं डाल रहे हैं वो लोग। वही मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने अपने बच्चे पढ़ाए हैं तो वो कॉलेज में जा रहे हैं। कहीं ये नहीं लगता आपको कि हम दूसरे के बच्चों को भीड़ में ला करके उन पे हम नेता बन जाए और अपने बच्चों को डीपीएस में पढ़ा रहे, अपने बच्चों को विदेश में भेज दें, हम अपने बच्चों को वकील बना दे, अपने बच्चों को इंजीनियर बना दे, और कल को जो पुलिस की गोली आकर के लगे तो इस गरीब किसान के बच्चे के पे ऐसा नहीं है। अधिकांश लोग जो है अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर ही बनाना चाहते हैं। शहीद भगत सिंह पैदा पड़ोसी घर में हो, हमारा बच्चा जो है डीएम बने, यही ऐसा नहीं है, लोग लग रहे हैं बिल्कुल। आखिरी सवाल चलते चलते कि आज दिल्ली में कार्यक्रम चल रहा है और किस तरीके से आपने व्यवस्थित किया कि कोई आगरे से भी आया है, कोई हरियाणा से आया है, कोई मुझे लगता है दिल्ली से बाहर से बहुत सारे हमारे साथी यहाँ पर आए हैं, तो किस तरीके से आपने मैनेज किया?
देखिए मैनेज करने का तो ये था कि जो वीडियो आपने चलाई थी उस वीडियो के जवाब में लोग संपर्क कर रहे हैं और ढूंढ ढूंढ के फोन कर रहे हैं जी। इस बार हमने फोन नंबर दिए हैं और दे रहे हैं आपको, आपके पास जो प्रेस मीडिया है उसमें फोन नहीं है। एक बार अपना नंबर जो बता दीजिए दोबारा से, जो संपर्क करना चाहिए। संपर्क प्रश्न करना चाहूंगा इशू था उसको बिल्कुल कहीं से कहीं जाकर के उस इशू को ही कन्वर्ट कर दिया। जो स्थिति आज से हमारी 74 से पहले थी, हम उस समय भी पिटते थे। उस समय कोई संगठन नहीं था, कोई सेना नहीं थी, कोई दल नहीं था, कुछ नहीं था। आज भी पिटते हैं, उस समय भी बलात्कार होते थे, हमारी बेटियों के बलात्कार आज भी होते हैं। उस समय भी जलालत होती थी, आज भी जलालत होती है। जब आज 10,000 से संगठन ज्यादा होने के बावजूद भी जब कुछ नहीं था तब भी होता था और आज तब भी होता है। तो हमने जो 10,000 संगठन खड़े किए वो सब समाज का ही हिस्सा है। उन्होंने अपनी एक दीवार खींच ली ताकि कोई एक दीवार के अंदर कैद होकर रह जाए। हमारा 8 नवंबर का ये प्रयास था। 8 नवंबर को हमने इस प्रयास के साथ उन सब संगठनों को बुलाया था कि भाई आप सभी एक छत के नीचे आ जाओ, एक अम्ब्रेला के नीचे आ जाओ और एक अपना सेंट्रल सिस्टम जो है इस तरह का बना लो होता कि हमारा दुख दर्द जो है, क्योंकि सबका साझा है और सब जो है जो दुख दर्द है हमारा वो एक मन से व्यक्त हो सके। क्योंकि आज आप देखते हैं, आप पत्रकार हैं, आप किसी भी इशू को लेकर देख लीजिए, आज जंतर मंत्र पर कोई संगठन जा रहा है, इशू एक ही है। उस एक इशू के लिए 50 संगठन एक एक दिन करके और 50 बार में जाते हैं। बाबूजी इशू के साथ दर्द भी एक है। छाता तो आप बनाना चाह रहे हैं लेकिन लकड़ी कौन बनेगा छाते की, बता रहे हैं। लड़ाई तो उसी बात की है ना। जब ये 2 साल से इसकी तैयारी कर रहे हैं और लोग आपस में संपर्क कर रहे हैं तो ये बात तय हुई कि भाई लोगों का रुझान ले लिया जाए। तो उसमें आज की डेट तक पुणे में, आगरे में, देहरादून में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, असम में, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में और बुलंदशहर, आगरा, लखनऊ, ये यूपी के, तो हैदराबाद के अंदर वहाँ कुछ लोगों के फोन आए और उन्होंने अपनी स्वेच्छा जाहिर की कि हम इस प्रचार को आगे बढ़ाएंगे। प्रचार करने का जो तरीका है वो उनको बताया गया कि आपने क्या करना है। आप 14 अप्रैल तक के लिए लोगों को जागरूक करें कि भाई सब लोग एक हो जाए। आप जिस मीटिंग में जा रहे हैं 14 अप्रैल तक, वहां मीटिंग में जाके कहें नेता से कि रिजल्ट क्या आया, उसको बताएं कि आपने जो पैसा लिया है वो कहां लगाया और हम 70 साल से नीचे जा रहे हैं, अभी तुम हमें कैसे उठा दोगे। इसको बार बार दिन में 3-4 बार अपने फोन से अपने इससे पोस्ट करते रहें, अपने इंटरव्यूज में लगातार अपने नेता से ये पूछते रहें कि नेता जी जो आपको हमने नेता माना है तो हम नीचे कैसे चले गए, अभी नीचे कैसे होंगे। फिर उनसे ये कहें कि हमको ये नसीहत मत दो कि संगठित हो जाओ, हम तुम्हें ये नसीहत देते हैं कि पहले तुम संगठित हो जाओ, क्योंकि हमें संगठित कहने के लिए कहते हो और तुम संगठित नहीं होते। हमें क्या तुमने बेवकूफ और पागल समझ रखा है क्या, तुम एक चीज हमसे बोलते हो और खुद करते नहीं हो उस बात को। इस बात को नेता को जोरदार शब्दों में बोलो और नेता नहीं मानता तो उसका प्रचार करो कि हम संगठित नहीं हो सकते जब तक तुम नहीं होगे और हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। एक्सपेरिमेंट हो चुका है 2 अप्रैल का, इस बात को याद रखो, हमें नेता की जरूरत नहीं है। आप ठीक काम नहीं करोगे आपको हम निकालते हैं, आपको संगठन से दाखिल करते हैं। ना हम आपको दाना देंगे, ना पानी देंगे, ना पैसा देंगे, ना आपके यहाँ आएंगे, बल्कि आपके पुराने कुकर्मों को बताएंगे कि आपने 70 साल में कितनी गाड़ियां खरीदी, कितने आपने घर बनाए, कितने आपने मकान बनाए, जब आप संगठन में आए थे तब क्या थे और आप संगठन में आपकी क्या कुछ रहे, ये कहां से सब चीज आई है आपकी। और जो आपका व्यवहार है उसको हम बताएंगे कि पहले आप हमारे घर आते थे मिलने के लिए, अब हम आपके घर आते हैं तो आप हमें दुत्कारते हो, टाइम दे चने पड़ता आपके पीए से, आपका पीए कहता है मैं तो 7 दिन के लिए बाहर हूँ, जबकि आप घर में बैठे हुए क्या बोलते चने खाते रहते हो और हमसे झूठ बोलते हो अपनी वैल्यू बनाने के लिए। ये बातें हर आदमी बोलेगा। ये जो फोन नंबर हम आज आपको दे रहे हैं, क्योंकि ये फोन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इनको हाईलाइट कीजिए, ये आरबी सिंह जी का नंबर